वुमेन। दोस्तों, पापा की परियां तूफान से कम नहीं होती, इन्हें कोई भी रोके ये नहीं रुकने वाली। आज हम आपके लिए पापा की परियों के कुछ गजब कारनामे लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर भाई साहब आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ पापा की परियां सामने वाले को ही उड़ा देती हैं। तो कुछ पापा की परियां अपने आप ही हवा के झोंके से गिर जाती हैं। यहाँ इन दीदी को ही देख लो। अब आपको क्या हो गया? और हम छपरी नहीं है, और हम छपरी नहीं है, हम छपरी थोड़ी ना। ब्रेक भी मार ली और स्कूटी टच भी नहीं हुई यार। तो देखा दोस्तों, बच के रहना तुम भी, पापा की परी कहीं आपकी भी बिना कुछ किए लुंगी ना फाड़ दे। बात तो सही है। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि पापा की परियां स्कूटी चलाती कम है और उसे उड़ाती ज्यादा है। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे यार बताओ, अच्छी खासी परी सीधी जा रही थी, ये दुकान बीच रोड पर कैसे आ गई भाई? इसमें पापा की परी की कोई गलती नहीं, सारी गलती इस दुकान की है जो रोड के बीच में आ गई। पापा की परियां वो काल हैं जो सामने वाले को तो भगवान के दर्शन करा ही सकती हैं, लेकिन अपने पीछे बैठे इंसान को भी यमलोक पहुंचा सकती हैं। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही देख लो। खत्म, बाय बाय, टाटा। खत्म हो गया भैया मेरी तरफ। बेचारी अम्मा दो चार दिन और जी लेती, मगर इस पापा की परी ने तो अम्मा की टांगे ही उठा दी। दोस्तों, पापा की परियां हर काम में सबसे आगे होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। देखा दोस्तों, यही तो वजह है जो हमेशा पापा की परियां नंबर वन पर होती हैं। वुमेन। और पापा की परियां यूं ही पापा की परियां नहीं बनी, न जाने कितनी बार नाले में गोते लगाए हैं भाई। और यार तुम समझते क्यों नहीं हो, ये पापा की परियां हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं भाई। देखो कुछ संभाला नहीं जा रहा है, स्कूटी लेके घूम रही है, लगा स्टैंड भी लगाने नहीं आता। वुमेन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।